और कुछ पुलिस कर्मियों ने इस तरह से अंदर नहीं जाने दिया, आप किसकी सेह पे नहीं जाने दिया, क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, किसके कहने से मना किया है, नहीं अब जाने की जरूरत है। एक घंटा तो हो चुका, कार्यक्रम तो खत्म होने वाला होगा, अब जाके हम क्या करेंगे। हम तो श्री मंत्री को धन्यवाद देने के लिए रुके हुए कि मंत्री जी आए, तो जो उन्होंने दूदू में जाने से हम लोगों को रोका है, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद तो दे दिया, मंत्री जी आए हैं, मंत्री जी को धन्यवाद दे के जाएंगे। पता नहीं, मैं तो अंदर गया था भैया, अच्छा खासा माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिला बनाया, जयपुर ग्रामीण जिला बनाया, हम लोगों की सबकी अनुशंसा के ऊपर जन भावना को देखते हुए मैं स्टेज की तरफ गया, पीछे की तरफ गया, वहाँ पे कुछ पुलिस वाले थे, उन्होंने रोका। मैंने कहा भाई जनप्रतिनिधियों की जहाँ व्यवस्था है वहाँ बिठा दीजिए, मंच पे है विधायकों की व्यवस्था तो मंच पे बिठाइए, नहीं है तो दूसरे में बिठाइए। क्या प्रोग्राम चलना? प्रोग्राम आप तो जयपुर जिले की हमारी स्थापना है जयपुर ग्रामीण की, इतना अच्छा सुंदर है मौका था, इतना अच्छा माहौल है, माननीय मुख्य जी ने 50 जिले राजस्थान में बनाए हैं, पूरे जिलों में उत्साह उल्लास है, इसके गवाह बनने के लिए हम खुद भी आए थे, क्योंकि हमारी मंशा के अनुसार तो जिला बने। और कुछ पुलिस कर्मियों ने इस तरह से अंदर नहीं जाने दिया, आप किसकी सेह पे नहीं जाने दिया, क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, किसके कहने से मना किया है। और भी कोई संख्या या सिर्फ आप ही हैं? नहीं, सारे विधायक हैं, सब विधायकों को स्टेज पे जाने दिया गया है, स्टेज पे जगह है, अगर किसी विधायक की अगर नहीं भी है तो उनको नीचे प्रॉपर बिठाना चाहिए, जहाँ भी जनप्रतिनिधि को बिठाया है, प्रधान है, MLA हैं और कोई जनप्रतिनिधि है, जहाँ उनका उचित स्थान है वहाँ बिठाना चाहिए था, आपको बाहर भेज दिया, लेकिन उन्होंने वहाँ अंदर जाने से रोका, मंच पे जाने से रोका। उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि भाई हम मंच पे पूछ के आते हैं, माननीय मंत्री जी उनसे बात करके आते हैं, ये तय वो थोड़ी करने वाले हैं। तो अब कार्यक्रम में जाओगे अंदर या घर जाओगे? नहीं, अब जाने की जरूरत है, एक घंटा तो हो चुका, कार्यक्रम तो खत्म होने वाला होगा, अब जाके हम क्या करेंगे। हम तो श्री मंत्री को धन्यवाद देने के लिए रुके हुए कि मंत्री जी आए, तो जो उन्होंने दूदू में जाने से हम लोगों को रोका है, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद तो दे दिया, मंत्री जी आए हैं, मंत्री जी को धन्यवाद दे के जाएंगे। किस तरीके से देखते हैं इसमें, किसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पार्टी के ही विधायक हैं और पार्टी के ही प्रदेश का कार्यक्रम है, पार्टी का कोई भी जनप्रतिनिधि जा सकता है, तो क्या ये प्रभाव डालता हुआ दिखाई दे रहा है? अब ये तो क्या देखेंगे, कौन देखेगा, क्या परिस्थिति है, ये तो वही बताएंगे। क्या सरकारी कार्यक्रम में गुटबाजी हो रही है क्या? मैं क्या कह रहा हूँ इसमें मैं नहीं बता सकता, ये तो रोकने वाले व्यक्ति बताएं कि भाई आपने किसके निर्देशानुसार रोका है, या कोई आपको लिस्ट दी गई है, मंच की लिस्ट ये थी, पुलिस का, या कोई किसी चीज की लिस्ट आपको दी गई है कि किस आदमी को नीचे रखना है, किस आदमी को मंच पे लेना है, क्या कोई आपके पास लिस्ट थी? अगर लिस्ट थी तो हमें बताना चाहिए था, लेकिन जब सभी विधायकगण बैठे हुए हैं, सभी विधायकों का सम्मान है, उसके बाद में वहां जाने से रोका, तो किसने रोका, क्यों रोका, ये तो वो बताएंगे जिन्होंने रोका है। कौन अधिकारी थी, नाम पता है? कुंवर राजदीप सिंह जी थे, मैंने तो नाम पढ़ा है उसके ऊपर, कुंवर राजदीप सिंह जी थे, बाकी को तो मैं जानता नहीं हूँ, मैं तो को जानता नहीं, बाकी दूसरों को तो। सर एक सेकंड सर, कोई कंफ्यूजन है सर, आपका मंच पे ही बैठने का है सर? नहीं, आपने तो यही मैं यही कह रहा था सर, हम पता करके 2 मिनट बता दें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।